शिवाजोहर साथियों, चलिए प्रकृति के किताब की एक नए पृष्ठ को पलटते हैं। आज हम जानने वाले हैं एक विचित्र पक्षी के बारे में, जिसका अलग अलग कल्चर में अलग अलग महत्व है। किसी कल्चर में इसे पवित्र स्थान दिया गया है, तो किसी कल्चर में इसे अपशकुनी कहा गया है, तो कोई धन प्राप्ति के लालच में इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हम किसान कबीलाइयों की संस्कृति में, हम कोयतूरों की संस्कृति में इसका एक विशेष स्थान है। इस पक्षी का नाम है टिठरी, इसे इंग्लिश में लैपविंग कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस पक्षी की लगभग 25 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। हमारे पूर्वज इन्हें अपना मित्र मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अवलोकन से यह पाया है कि यह पक्षी हमें प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास कराती है तथा आने वाले क्लाइमेट के बारे में भी बताती है। बुजुर्ग बताते हैं कि यह पक्षी अपना घोंसला पेड़ों के बजाय जमीन पर बनाती है और अंडे देती है। लंबे समय तक टिठरी के अंडों के स्थान और उनकी संख्या के विश्लेषण के आधार पर हमारे पुरखों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि टिठरी ऊंचे स्थान पर अंडे रखती है तो अच्छी बारिश होगी, यदि टिठरी निचले स्थान पर अंडे देती है तो उस साल कम बारिश होती है। यदि 3 अंडे हो तो 3 माह और 4 हो तो 4 माह बारिश का अनुमान लगाया जाता है। अंडों का मुंह जमीन की ओर होने पर मूसलाधार बारिश, समतल स्थान पर रखे होने पर औसत बारिश और किसी गड्ढे में अंडे दिए जाने पर सूखा पड़ने का अनुमान लगाया जाता है। टिठरी अप्रैल से जून के बीच 4 से 6 अंडे देती है। यदि यह जल्द अंडे दे तो इसे समय पूर्व मानसून का संकेत माना जाता है। इसके अलावा जमीन पर रहने वाली इस पक्षी को भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा का पूर्वाभास हो जाता है। हमारे बुजुर्ग सियान बताते हैं कि यह पक्षी पेड़ों पर तभी बैठते हैं जब भूकंप आने की संभावना हो या जमीन पर कोई खतरा हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।